शांति। हम मनुष्य आत्माओं को जीवात्मा भी कहा जाता है। जीव अर्थात शरीर, और उस शरीर में चैतन्य आत्मा, और इन दोनों के मेल से हम जीवात्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं। और हम आत्माओं को इस शरीर में परम प्रिय परमपिता परमात्मा जब ऊपर से नीचे भेजते हैं, तो हमें इस शरीर के साथ उसके अंदर समाविष्ट प्रत्येक कर्मेंद्रियां जो दी हैं, वो कर्मेंद्रियां किस लिए दी हैं, उसे यदि हम समझ लेंगे तो हमारे जो भी कर्म जिस भी कर्मेंद्रिय के द्वारा होंगे वह श्रेष्ठ होंगे, शुभ होंगे, लाभप्रद होंगे, और हमें भी इस जन्म की तथा आने वाले अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले होंगे। क्योंकि हम आत्माओं के पिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, महान ते महान है, माताओं की माता, पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, सबसे ऊंचे ते ऊंचा और महान ते महान परम पूज्य परम आत्मा, सर्व का स्थापन करने वाला, पालना करने वाला। और फिर जब इस संसार में दुख शांति वृद्धि को प्राप्त होते हैं, दुनिया विषय विकारी बनने लगती है, और मनुष्य आत्माएं जब दुखी होने लगती हैं, तो फिर इस सृष्टि का विनाश करने के लिए अपना दिव्य कर्तव्य वो करते हैं। परंतु हमें जो इस संसार में इस सृष्टि रूपी रंग मंच के ऊपर अभिनेता बनाकर और हमें जो अभिनय करने को कहा गया है, तो वो श्रेष्ठ अभिनय हमें दिया गया है। और हमें वो अभिनय कैसे हर कर्मेंद्रियों के द्वारा करना है, उसको हम आज देखेंगे। तो परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति में रहकर यदि प्रत्येक कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, तो हमारे कर्मों के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा अयोग्य कर्म या कोई भी ऐसा कर्म कनिष्ठ नहीं होता जिसका फल आत्मा को दुख या अशांति के रूप में भुगतना पड़े। हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, और हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी हैं, मस्तक, हमारी दृष्टि, हमारे कर्ण, हमारा गला, हमारा मुख, हमारा सीना, हमारे हाथ पांव और हथेलियां, हाथों की उंगलियां आदि आदि सभी समाविष्ट हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले सर्वप्रथम हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार से। मन हमें मिला है कि हम उस मन से जो भी विचार करें, जो भी संकल्प करें, वो शुद्ध करें, शुभ करें और सकारात्मक करें। क्योंकि मन के संकल्प ही हमारी वृत्ति है, और वृत्ति के अंदर जितने अच्छे विचारों के बीज होंगे, जितने हमारे श्रेष्ठ विचार होंगे, पवित्र विचार होंगे, स्वच्छ विचार होंगे, निर्विकार विचार होंगे, उतना बुद्धि जो है
जो निर्णय करने का काम करती है वो यथोचित निर्णय देती है, उसका निर्णय पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है, बराबर होता है और संतोषजनक होता है। और जो भी निर्णय बुद्धि के द्वारा इन कर्मेंद्रियों को कर्म करने के लिए मिलेगा वह न्यायपूर्ण होगा, योग्य होगा और उसकी फल प्राप्ति अवश्य ही मनुष्य आत्मा को होती है। और जो संस्कार हमें मिले हैं तो परमप्रिय परमपिता परमात्मा के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को हम लेकर के और इस धरती पर आते हैं। तो संस्कारों के अनुरूप मन भी हमें मिला है। संस्कार कहते हैं कि तू तेरा मन प्रभु में लगा, अर्थात मन से जब भी हम प्रभु के प्रति सोचें, विचार करें या संकल्प करें तो हम प्रभु के प्रति सोचें और प्रभु से सारा विश्व संबंधित है तो हम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी ही सोचें। और फिर बुद्धि भी जो सोचेगी वो भी संस्कारों के अनुरूप सोचेगी। तो संस्कार हमारे जो परमपिता परमात्मा ने दिव्य गुणों के भरे हैं, जो भी हमारे अंदर शक्तियों के भरे हैं, जो भी हमें हमारे अंदर समय का सदुपयोग करने का जो भरा है या जो भी ईश्वरीय खजाने उनका सदुपयोग करने के जो संस्कार हैं, जो कि परमपिता परमात्मा के समान हैं सर्व गुणों के और सर्व शक्तियों के, तो बुद्धि को भी यही काम करना है कि वह एकाग्र चित्त होकर के, जो एकाग्र चित्त होकर प्रभु का ध्यान करते, प्रभु की भक्ति करते, प्रभु को लगन से मगन होकर याद करते, उनको वह सद्बुद्धि देती है, उनको सही मार्ग दिशा देती है, मार्गदर्शन करती है, सही निर्णय देती है ताकि उसके जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं में वो सुलझ कर समाधान युक्त चल पाते हैं। और संस्कार जो हैं वह भी अपना कार्य करते। संस्कारों में सात्विक वृत्तियां, सत्प्रधानता, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता वह ऊपर से आती है, तो बाप समान ये सारी विशेषताओं को लेकर के आती है। परंतु ये संस्कार जब हमें क्रियात्मक रूप से कर्मों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं तब ही मन बुद्धि को लेकर और कर्मेंद्रियां कर्म करती है। अब हम कर्मेंद्रियों के ऊपर आए तो संस्कार कहते हैं कर्मेंद्रियों से, संस्कार कर्मेंद्रियों से क्या कराना चाहते हैं यह तो हम सहज ही समझ सकते हैं कि जो प्रभु के गुण हैं, जो वहां से वो लेकर के आई है आत्मा, वही कराना चाहता है। तो वह प्रभु की विशेषताएं, गुण और शक्तियां जो उसके अंदर उसने समा करके लाया है, वह चाहता है कि वह कर्म के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा सभी के प्रति वह उसका प्रयोग करे, उपयोग करे और उस प्रयोग और उपयोग के कर्म के द्वारा स्वयं उस फल को आजीवन प्राप्त करे और आगे आने वाले जीवन में भी वह उसकी फल प्राप्ति करके जीवन सुख शांति और आनंदमय बनावे। अब कर्मेंद्रियां
हम देखें नंबर वार एक के बाद एक, हमारी दृष्टि के अंदर हम अपने आत्मिक भाव को लेकर के विश्व बंधुत्व की भावना से, अर्थात अपनेपन की भावना से, क्योंकि जो भी विश्व के अंदर आत्माएं हैं वह सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो उस परमात्मिक संबंध के नाते सब हमारे भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, तो हम उस नजर से देखते हुए हरेक को अपना समझें, हरेक को रूहानी स्नेह दें और हरेक के साथ रूहानी स्नेह भरी नजरों से हरेक को पिता की स्मृति में निहाल करें। उसके पश्चात कर्ण आते हैं, कानों से भी हम वही सुने जो सकारात्मक हैं, जो फायदे वाली बातें हैं, जो किसी का नुकसान करे ऐसी बातें नहीं हैं, जो शुभ हैं, जो सोचने युक्त हैं, सुनने युक्त हैं और करने युक्त हैं, उन्हीं बातों को सुने और सुन करके उसे समाए। अन्यथा जो भी परदर्शन की बातें, नकारात्मक बातें या जो भी अवगुणों की बातें हैं, चाहे किसी की भी हो, कैसी भी हो, वह हम एक कान से सुन के दूसरे कान से उसे निकाल दें, अर्थात सुनते हुए भी ना सुने। फिर आता है मुख, होठों के द्वारा और गले की स्वर तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा हम आकाशवाणी करते हैं, तो हमारी आकाशवाणी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए कि आकाश के उस पार व्यक्त सूर्य गण तारा गण के भी उस पार जो हमारे पिता परमात्मा हैं, जो ज्योति बिंदु हैं, जिनका नाम सत्यम शिवम सुंदरम है और जो सर्व के कल्याण के प्रति ही महावाक्यों का उच्चारण करते हैं, और हम भी उनकी संतान होने के कारण हमारे मुख से भी जो भी बोल निकले वो बोल हमारे, वो वाक्य हमारे महावाक्य बन जाए, सुखदाई बोल हो जाए, मीठे बोल बोले, हीरे तुल्य बोल बोले, किसी को भी हम अपने मुख से पत्थर अर्थात कटु बोल न कहें और किसी भी प्रकार के कटाक्ष युक्त बोल हम न बोले, कांटे के जैसे चुभने वाले बोल हम न बोले। इस प्रकार हमारे मुख पर आंख, कान और हमारा मुख बोलने का, हमारे टोटल चेहरे के अंदर फिर चमकता है भाल प्रदेश, जिस भाल के अंदर भ्रुकुटे के बीच में रहती है आत्मा, तो हमारा चेहरा उस परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति के साथ और उसके द्वारा प्राप्त दिव्य बुद्धि के द्वारा एकाग्र चित्त होकर प्रभु की स्मृति में यदि हम आँखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे और मुख से बोलेंगे, तो हमारे होठों पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट रहेगी और आत्मा के अंदर भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के कारण आत्मा हर्षित मुख होगी और वह हर्षित मुखता की जो चमक है वो हमारे भाल प्रदेश पर चमकेगी और हमारा भाल पवित्रता, स्वच्छता और इस रूहानी चमक से और हर्षित मुखता से चमकेगा और ये हमारा हर्षित मुख चेहरा सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके पश्चात हाथ मिले हैं हमें रूहानी स्नेह से, हमें अपनों के लिए और सर्व को स्नेह युक्त सहयोग देने के लिए हम सहयोग देकर हम उनकी दुआएं प्राप्त करें, हम उनका शुक्रिया,
प्राप्त करें और शुक्रिया प्राप्त करके, दुआएं प्राप्त करके हमें भी अंदर में यह शुभ भावना, स्वच्छ भावना, पवित्र भावना उठे कि हम भी प्रभु की स्मृति में उस हाथ को वरद हस्त बना दें, हम उस हाथों से वरदान दें और फिर दोनों हाथों से जो भी हमें वरदान के रूप में गुण विशेषताएं और श्रेष्ठ कर्म करने का जो वरदान प्राप्त है, जो भी ईश्वरीय खजाने मिले हैं ज्ञान गुण शक्तियों के, वो हम सर्व को बांटें। फिर आते हैं हमारे पांव कदम। हम जो भी कदम उठाएंगे जीवन के, हर कदम को सोच समझ कर उठाएंगे और साथ साथ सुख्यम दिव्य बुद्धि रूपी कदम भी हम सोच समझ कर उठाएंगे, अर्थात श्रीमत के साथ हम श्रीमत पर अपने कदमों को उठाएंगे और अपना मन की लगन के हाथ प्रभु के हाथ में रखकर प्रभु का साथ लेकर के और उन कदमों को उठाएंगे तो प्रत्येक कदम में हमारी पदम की कमाई होगी और जितने अधिक कदमों को हम भरेंगे उतने हमारे कर्मों का खाता हम अपनी बैंक के अंदर, हम अपनी गठड़ी में भरते जाएंगे और ये जो हमारा खाता होगा वो जमा का खाता होगा। जो जमा का खाता हमें इस जीवन में तो सुख शांति और आनंद तो प्रदान करेगा ही, परंतु भविष्य जो हमारे अनेक जन्म होंगे उस अनेक जन्मों के लिए भी जमा खाता होगा। हमारी ये कमाई हमें दूसरे जन्म में भी काम में आएगी। तो जो पुण्य की पूंजी होगी, ये कदम जो भरेंगे वो पुण्य के होंगे और ये पुण्य की पूंजी हमारे आने वाले पुनर्जन्मों को श्रेष्ठ रखेंगी, शुद्ध रखेंगी, पावन रखेंगी और हमें किसी भी प्रकार से न शारीरिक भोगना और ना ही हमें कोई सुख्यम भोगना, ना ही हमें किसी स्नेह संबंधों की भोगना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु की स्मृति में, रूहानी स्नेह में और आत्मिक स्मृति में रह करके किए हुए ये कर्म होते हैं, इसीलिए इन कर्मों की हमें किसी भी प्रकार की भोगना भुगतनी दुख अशांति के रूप में नहीं पड़ती है। हाँ, हम भोगेंगे तो हम क्या भोगेंगे, हम अपार सुखों को नंबरवार भोगेंगे, हमारे पास अपार शांति होगी नंबरवार और हमारे पास पवित्रता का दिव्य आनंद होगा और जो भी हमारे संग, हमारे संपर्क संबंध और व्यवहार में जो भी आत्मा आएगी वह भी हमारी तरह सुख शांति और पवित्रता के आनंद का अनुभव करेगी और हमारे समीप बैठकर उसे भी अपने प्यारे पिता परमात्मा की स्मृति आएगी, उसे भी प्रभु की याद आएगी और इस प्रकार हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा और हम पुण्यवान आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।